घर बैठे कैसे आपको सोरासिस ठीक करना अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रिस्ट्रिक्शंस जब आप देखेंगे फॉलो करेंगे हफ्ता दो हफ्ता तो आपको लगेगा कि हाँ सोरासिस। जब सोरासिस होता है तो वो फिजिकली इमोशनली सोशली मेंटली आपको स्कैटर्ड कर देता है और आपको लगता है कि बस ये ठीक हो जाए जल्दी से ठीक हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी बताने आई हूँ कि घर बैठे कैसे आपको सोरासिस ठीक करना अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो दवाइयाँ तो हैं ही ऑब्वियसली। जब भी कोई कंप्लेंट होती है या कोई हमें दिक्कत है तो हम नियर बाय डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या रूटीन फॉलो करना है जिसकी वजह से दवाइयों के साथ साथ हम वो चीज़ें फॉलो करके जल्दी से अपना सोरासिस ठीक कर ले। अगर आपको कुछ पैचेज आने शुरू हुए हैं तो आप घर बैठे कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के लगाना शुरू करेंगे तो आपकी इचिंग फ्लेकिंग ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगा और आपको थोड़ा रिलीविंग इफेक्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने डाइट में उसी दिन से चेंजेस करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एल्कोहल नॉनवेज इंटेक करते हैं तो उसको कट ऑफ कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए, गाय भैंस का बना हुआ दूध दही पनीर आपको नहीं लेना है, आप ले सकते हैं तो सोया आलमंड कोकोनट मिल्क ले सकते हैं अगर आप एलर्जिक नहीं है तो, मिर्ची मसालों का सेवन बहुत लिमिटेड कर दीजिए, खट्टी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आलू बैंगन अरबी आपको क्विट करने हैं, शुगर इनटेक लिमिटेड करना है। और इन सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रिस्ट्रिक्शंस जब आप देखेंगे फॉलो करेंगे हफ्ता दो हफ्ता तो आपको लगेगा कि हाँ नए पैचेस भी निकलने बंद हो गए और शायद सोरासिस में आपको रिलीफ मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले नियर बाय डॉक्टर, आप एलोपैथिक डॉक्टर को ही कंसल्ट करते हैं मैक्सिमम पेशेंट, और वहाँ पे स्टीरॉयडल आपको दिया जाता है या स्टीरॉयडल मेडिकेशन चाहे वो खाने की हो चाहे वो लगाने की हो दिया जाता है और उससे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और रिलीफ भी मिलता है। बट जैसे ही आप उनको लगाना छोड़ते हैं आपकी बीमारी दुगनी तेज़ी से आपके शरीर पर बढ़ के आती है, तो ऐसे में आपको ऑल्टरनेट पैथीज को भी एक चांस देना है या ट्राई करना है कि शायद हो सकता है कि स्टीरॉयडल इंटेक से या लॉन्ग टर्म स्टीरॉयडल इंटेक से आपका लिवर किडनी इफेक्ट हो। बट अगर आप अल्टरनेट मेडिसिन लेते हैं चाहे उसमें कोई भी पैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, उससे आपको रिलीफ मिलता है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उन मेडिसिन को छोड़ने के बाद बीमारी भड़के नहीं आती। दूसरा, आपके जो लिवर किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं होती है। तो सही ट्रीटमेंट के साथ सही लाइफस्टाइल ऑप्शन भी आपको चूज़ करना है जिसमें मैंने डाइट रेस्ट्रिक्शंस आपको बताए हैं, साथ में पेशेंस रखने हैं। हम क्या करते हैं, स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि स्किन ही है जो शायद बाहर अपीयरेंस में दिख रहा है, और इस पे जब कोई बात आती है तो हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे और अब हम अच्छे नहीं दिख रहे। तो ऐसे विचार नहीं लाने हैं, जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगे उतना ही अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे, उससे डील कर पाएंगे और शायद उसको ख़त्म कर पाएंगे। तो पेशेंस रखना है, सही रेजिम फॉलो करना है सही ट्रीटमेंट के साथ, और आपका सोरासिस घर बैठे बैठे भी ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आप सी आयुर्वेदा से जुड़ें, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपने सोरासिस को ख़त्म कर सकते हैं।